एंड आई हैड नथिंग इन माई माइंड कि इतना नंबर मुझे अटेम्प्ट करना ही है या आई नीड दिस मैनी मार्क्स टू क्लियर दिस एग्जाम. नेक्स्ट एंड वॉट वेन आई सॉ द रिजल्ट ऑफ द मॉक टेस्ट इट वॉज नॉट दैट गुड बिकॉज आई अटेम्प्टेड अ लिमिटेड क्वेश्चन. देन माई टाइम मैनेजमेंट वॉज ऑल्सो एन इशू. देन ऑल्सो माई सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी आई हैड नो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी सो आई हैड टू वर्क ऑन दिस. सो दैट इज वॉट मॉक टेस्ट वर्क ऑन मॉक टेस्ट जस्ट टू यू. इट हेल्प्स यू इन आइडेंटिफाई दोज गैप एरियाज जिसमें अपन को काम करना है. इट हेल्प्स अस इन आइडेंटिफाइंग कि किस तरीके से हमें अप्रोच करना है पेपर को. इट हेल्प्स अस इन आइडेंटिफाइंग कि हम किस तरीके से वो जो एटमॉस्फेयर है वो जो पेपर का माहौल है उसको हम जी सकते हैं. सो दैट इज़ वॉट इज़ कॉल्ड एज मॉक टेस्ट. अगेन दिस ईयर पेपर्स इज ऑनलाइन एंड यू हैव ऑल द मॉक टेस्ट अवेलेबल अंडर प्रोजेक्ट मेवरिक विद इन अ फोल्डर मॉक टेस्ट. And you have already solved a lot of them. I've seen the reports and keep on solving them. It will help you understand those areas where you are weak, the areas or the topics which you must revise and then reattempt those ones. Next key question comes into the picture is for CLAT 2021. And when we talk about CLAT 2021, it's like next year. For next year, what you can do, I have already told you, either you can prepare in like manner. I have told you कि अभी से प्रिपेयर करना चालू करो, अगले साल उठा लेना. मार्च अप्रैल में पूरा महीने दो महीने मॉक्स से लगाओ, ठीक है. और यू कैन डू इस हर महीने एक मॉक लगाते रहो, ठीक है. हर महीने मॉक लगाने में फ़ायदा या नुकसान अलग अलग चीज़ें हैं. अब तुमने टॉपिक नहीं पढ़ा है लेकिन टॉपिक में क्वेश्चन पेपर में होगा बिकॉज एवरीबॉडी विल से वी आर मेकिंग इट एज ऑफ वी क्लैट सिलेबस सो देयर द क्वेश्चन अराइज़, ठीक है. तो इससे अच्छा सेक्शनल टेस्ट लगाओ, जो शुरुआत के दिनों में सेक्शनल टेस्ट लगाओ टू द एंड ऑफ दिस ईयर. टॉप जो सब्जेक्ट वाइज है उनके टेस्ट लगाओ. अगले साल जाके जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, वंस यू हैव दैट कॉन्फिडेंस यस कि आई हैव डन द सिलेबस नाउ आई कैन सॉल्व दोस मॉक्स, देन वो दो महीने और 60 दिन लगातार मॉक्स लगाओ. एंड आई प्रॉमिस यू पीपल वुड हैव नॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सॉल्व 60 मॉक्स, ठीक है, बिफोर अटेम्प्टिंग द पेपर रियल पेपर. सो इन दैट मैनर यू कैन अप्रोच क्लैट 2021. अच्छा, दैट बीइंग सेड, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, द फर्स्ट थिंग देखो क्वालिटी पे ध्यान देना, क्वांटिटी पे नहीं. क्वांटिटी कभी मैटर ज़्यादा करती ही नहीं है, ठीक है. आइदर यू हैव टू लाइक यू हैव सीन इन WWE नॉट टेकिंग एनालॉजी, उसमें क्या होता है, दे टेक अ प्लेयर व्हिच इज लाइक व्हिच दे नो दे कैन विन. Like somebody will pick up Braun Strowman, Big Show, and Roman Reigns for that. These are the players there. Three players against like other team says we will come up with 10 players. Yes, they come with the 10 players, but you know which will be the winning side. So it's all about quality, not quantity. That's an analogy. ठीक है. Again, paper का relevance क्या है? अपन को food देना. Food in the sense कि अपन को वो matter देना जो अपन के paper के लिए relevant है. ठीक है. अब इररेलेवेंट चीज़ें पढ़ेंगे, इररेलेवेंट चीज़ें लगाएंगे और नहीं लगा पाएंगे तो टेंशन में आ जाएंगे, फिर रेलेवेंट चीज़ें पढ़ेंगे, फिर उसमें अपना टाइम वेस्ट करेंगे. ये नहीं करना है, दिस इज़ नॉट टू बी डन, ठीक है. अपन को रेलेवेंट चीज़ों पे टाइम देना है, उनको पढ़ना है, उनको रिवाइज करना है. अब हु विल टेल व्हाट इज़ रेलेवेंट, दिस इज़ अनदर क्वेश्चन, ठीक है. तो रेलेवेंट क्या होता है, दैट हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस इन योर स्ट्रैटेजी सेशंस कि हर सब्जेक्ट की अलग अलग स्ट्रैटेजी है, उसको वैसे अप्रोच करना. और ऊपर से वंस यू आर अटेम्प्टिंग दीज पेपर्स यू नो कि सैम्पल पेपर का एक नेचर किस तरफ जा रहा है. वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू द एनालिसिस ऑफ ऑल थ्री सैम्पल पेपर्स, ठीक है. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट पर्टिकुलर नोशन, ठीक है. ऑफ कोर्स टू फ्यू पीपल द क्वालिटी विल ऑलवेज मैटर, गेट लेट देम डू दैट. इफ समबडी टेल्स यू दैट इस महीने मैंने 50 मॉक लगा दिए, से गुड, वेल इनफ, यू डिड वंडर्स, बट इट्स नॉट नीडेड, ठीक है. मॉक देने के बाद इंपॉर्टेंट ये है कि हम उसे एनालाइज करें. एनालाइज इन द सेंस कि हम समझें कि वो कौन से ऐसे टॉपिक्स थे जिनके क्वेश्चन हमने बिल्कुल आराम से बना लिए, ठीक है. कुछ कौन से ऐसे टॉपिक्स थे, विच आर दोज टॉपिक्स इन विच वी वर नॉट एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चन, एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट वी वर नॉट एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चन. Now, these reasons can be many. First and foremost, you haven't prepared that particular topic. Second thing is that you are not feeling confidence in that topic. The third is you have left those kind of questions. Okay? So, that being said, hi, good afternoon, Atul. So, that being said, we have to focus on quality, not on quantity. Okay?
एंड इफ समबडी इज फोकसिंग ऑन क्वांटिटी से गुड इनफ, ठीक है, जस्ट गिव देम थम्स अप एंड से चौक फोड़ दो जाके, ठीक है, बिकॉज इट विल नॉट मैटर, ठीक है. एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ क्लोजर अ मॉक टेस्ट इज टू द लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर. द आंसर इज येस अतुल. सो you will have these kind of questions to prepare for, ठीक है. you need to see कि किस तरीके से जो पेपर है वो रेलिवेंट हो रहा है आपके मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है, सॉरी आपके पेपर के लिए जो मॉक है क्या वो रेलिवेंट है. एंड इफ दैट पर्टिकुलर पेपर इज लाइक समथिंग लाइक बहुत ज़्यादा टफ, अ लॉट ऑफ टाइम्स इन आवर कंट्री व्हाट हैपेंस इज मॉक टेस्ट आर मेड लॉट मोर टफर देन इट्स नीडेड. प्रॉब्लम इज जितना मॉक टफ होगा आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा आपको आता नहीं है, देन देयर दीज इंस्टीट्यूशन कम्स इन टू द पिक्चर, हम आपको ये करके दिखाएंगे. ऑल दो द क्वेश्चन इज वेल दैट पर्टिकुलर टॉपिक और वेल दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वो जो एक एंगल है वो पेपर में पूछा जाता है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दैट थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड, जस्ट स्पेंड सम टाइम ऑन दिस पर्टिकुलर नोशन, ठीक है, कि जो क्वालिटी है वो क्या है. आस्क योर सीनियर्स, आस्क द पीपल हु आर एसोसिएटेड कि शुड आई अटेम्प्ट दिस, ठीक है. सो दे हैव अ वेरी बैलेंस्ड ओपिनियन समटाइम्स, इफ दे आर नॉट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन दे विल बी ऑलवेज बैलेंस्ड, दे विल से कि ये कर लो, फॉलो दोज स्टेप्स ऑल्सो, ठीक है, वो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं. देन वॉट हैपन्स इज हाउ डू मॉक्स हेल्प, ठीक है. Now I have told you how mocks helped me, and it helped a lot of people. I remember talking to few kids, and they had this particular problem ki sir mujhe samajh mein nahi aa raha mera kaun sa strong subject hai kaun sa weak subject hai, theek hai, mocks help, sir mujhe samajh mein nahi aa raha mujhe kaun se section ko pehle karna chahiye kise baad mein karna chahiye, mock test help, mujhe samajh mein nahi aa raha sir meri strategy kya honi chahiye because humko to ye batayi gayi thi lekin main aise paper nahi kar pata. So devise your own strategy. Sir, मैं तो दोपहर में 3 से 5 सोता हूँ, मैं पेपर में सो तो नहीं जाऊँगा. मॉक्स हेल्प, प्रैक्टिस ऑल दैट मॉक्स इन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, ठीक है. सर शोर शराबा बहुत होता है, कैसे शोर शराबा बहुत, अगर वहाँ पर किसी ने डिस्टर्ब किया एग्जामिनेशन सेंटर में तो क्या करेंगे. सो अगेन मॉक्स हेल्प, गो इन टू दैट एटमोसफियर, समटाइम्स क्लोज द लाइट्स, ट्राई टू सॉल्व मॉक, इट विल हैपन इन योर एग्जाम सेंटर्स. Might be the case, okay, sometimes like don't stop anybody in your home from making saying something or doing something, it will happen in the exam center, somebody will be moving around that particular invigilator at times, it's samosa during that entire exam process, in fact, okay, sometimes he will come down to you starting of the mock test and he will ask you ye tum hi ho, like you will be like okay main gate se andar aa gaya main nahi hu, okay. So in that question, these things will come. So actually these mocks help in that segment jahan pe aapko prepare karte hain actual paper ke liye. So they are really really helpful. Identify karte hain gaps ko. Lekin fir bhai, I remember this one child who made her notebook and I will suggest you to do the same. Ek alag se notebook ya diary banao jo sirf mock test ke liye ho, test ke liye ho, sectional test ke liye ho. Ab usme note down karo, mock 1 diya tha ye, इसमें हर सब्जेक्ट में मेरा ये स्कोर था, इस सेगमेंट में मैंने कितना टाइम दिया. डोंट फॉरगेट टू वेयर अ वॉच व्हाइल यू आर गिविंग अ मॉक, कितना मॉक का टाइम फ्रेम है उसी में सॉल्व करो, भले कम क्वेश्चन करो, ठीक है, दैट विल गिव यू अ हैबिट. घड़ी पहन के हमेशा मॉक दो, ठीक है, दैट विल हेल्प. पेपर के समय अ लॉट ऑफ पीपल मिस दिस पर्टिकुलर पार्ट, पेपर के एक दिन पहले घड़ी ढूंढते हैं वेयर इज माई वॉच, और दे टेक समवन एल्स वॉच, व्हाट हैपेंस इज दे आर नॉट इन द प्रैक्टिस ऑफ लुकिंग एट द वॉच एंड सॉल्विंग द पेपर, ठीक है. So that actually affects. आखिरी के 10 मिनट बचते हैं, now they say 35 questions. Then they come out of the examination hall and say मेरे से question miss हो गया. And you are like okay. So जो भी है मतलब, so ऐसा नहीं होना चाहिए in actual position because you had the sufficient time to practice for it. Unless until तुम्हारे parents ने जबरदस्ती तुम्हारा form भर दिया हो और बोला हो कि नहीं अगले 7 दिन बाद paper है और बस चले जाओ. Then also you will have 2 days to even attempt a mock. So do that. This way mocks help understand. Acha, how to analyze mock? Now this is a thoda sa tricky area because depends upon mock. Hum kis mock ki baat kar rahe hain, CLAT ki hai, LLT ki hai, jiski bhi. Lekin sabke liye ek overall jo ek idea rahega, wo main aapse share kar leta hu. Theek hai? Analyze kaise karenge mock ko? Ki sabse pehle apan
सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर देंगे, सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करने के बाद भी टॉपिक वाइज भी डिवाइड करेंगे। लॉट ऑफ टाइम दीज डेज पीपल डोंट डू दैट, ठीक है। वेरी फ्यू किड्स आर इन दैट हैबिट ऑफ लाइक वंस दे सॉल्व अ मॉक दे मेक इट अ चार्ट सब्जेक्ट किस किस टॉपिक से सवाल है। And once you have this in this with you, you are appearing for the paper. I can assure you, you will be the most confident person, person who is giving that particular paper that year. If you know subject ये थे, इस subject से ये questions आए, इस topic के, and now you like, जब तुमने बाद में एक bird eye view देखा अपनी है, जो तुमने register बनाया या तुमने जब diary बनाई है mock वाली, इस पर तुमने देखा, and you will be astonished. You would have done so much, so many topics that you don't need anything else. Before the paper to focus on, you will be so confident. And वापस से जब ये तुमने एक बार डायरी बना ली, पूरी साइकिल हो गई सारे मॉक्स की, दोबारा से यही मॉक दो, फिर देखो क्या टाइम लग रहा है। एक पहले मॉक को देने में तुमको लगे पूरे 2 घंटे, अगली बार कुछ कम टाइम लगे, उसके बाद अगली बार कुछ टाइम लगे, तो तुम चौथी बार सॉल्व कर रहे होगे इन मॉक टेस्ट को, तो इट शुड एक्चुअली गेट ओवर इन 35 मिनट्स, बिकॉज यू विल रिमेंबर एवरी आंसर, लाइक इसका तो ये है, इसका तो ये है, इसका तो ये, दैट इज हाउ क्विजर्स प्रिपेयर फॉर। अब when somebody is preparing for a quiz and they get these books on understand this is a psyche, if you have sat for quizzes you will understand. Sometimes it's like again an analogy to that, if there is an India quiz tomorrow and you have a book and you will finish it off the entire book, and once you revise it you know the answers, okay? You will actually start saying that A, B, C, D, or you will say ki nisa yo, that is jo hai pe aake. अच्छा मार्क्स का एनालिसिस ये पहले सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज हम इसको ब्रेक करेंगे, इसके बाद देखेंगे जो एरिया वीक है उसको पहले पढ़ेंगे, फिर आके उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि उसका लॉट ऑफ पीपल से कि सॉल्यूशन देख लो, इफ समबडी से सॉल्यूशन देख लो देन इट इज लाइक समबडी से सॉल्यूशन देख लो देन इट इज अ एस्केप रूट बेसिकली, या तुम्हें समझ में आ गया या नहीं समझ में आएगा, बट अदर पर्सन विल से सॉल्यूशन था, तो दैट इज नॉट द एंड, दैट इज द एंड, समटाइम्स इवन द सॉल्यूशंस आर रॉन्ग, सो अंडरस्टैंड दिस, इफ यू हैव अ डाउट आस्क समवन हु कैन आंसर दोस डाउट्स, ठीक है। और इवन थिंक दैट यू आर अ लोन वुल्फ, यू डोंट, देयर इज नो वन टू हेल्प यू आउट ऑन प्लैनेट अर्थ, जस्ट गो बैक टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, वॉच दैट वीडियो क्लास अगेन, एंड देन then give yourself that time to solve that particular questions, give them sufficient time, and I'm all hopeful that you will be able to solve those that questions, theek hai। So is tarike se apan analyze karte hain mock ko ki bhai ye topic tha, ye week tha, hum usko waah pe us pe kaam karte hain, aur mock ka kaam ye hai ki hame batana ki kaun se wo areas hain jinme hum kamzor aur unme hame mehnat karni hai, theek hai। Mock ka primary kaam yahi hai, इसके अलावा मॉक का मेजर सेगमेंट नहीं है। अभी कुछ एंड आई एम शेयरिंग इट अगेन, देयर इज दिस पर्टिकुलर चैप हु आस्क्ड मी कि सर जीके के लिए कुछ और मटेरियल मिलेगा, एंड आई एम लाइक ऑल इन क्वेश्चंस टू माय सेल्फ, आई आस्क लाइक व्हाट मोर डज दिस पर्टिकुलर चैप नीड्स, ठीक है। 10 days टू द पेपर ही इज आस्किंग फॉर मोर मटेरियल, इज ही रियली प्रिपेयरिंग, ही इज जस्ट कलेक्टिंग द मटेरियल, व्हाट हैपेंस इज यू हैव 10 मार्क्स, ध्यान समझो, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, तुम्हारे पास 10 मॉक हैं, 3 सैंपल पेपर है और मान लो 3-4 और मॉक हो गए, ठीक है। इन टोटल मैं 15 का एवरेज लेके चलता हूँ, 3 का एवरेज है, और इसमें मान के चलो कि सब में मिनिमम 30 क्वेश्चन तो जीके के होंगे ही, मतलब आई एम जस्ट टेकिंग फॉर अ ईजी कैलकुलेशन, तो 15 से 45। सो इन दैट सेगमेंट वंस यू सी समबडी क्लोज टू 500 क्वेश्चन फॉर दैट मैटर ओनली ऑफ जीके, एंड ही हैज at least some passages to rely upon. अब अगर उससे ज़्यादा आप चीज़ों के लिए भाग रहे हो तो then you are running a race which will never finish. ठीक है, so ये करने की ज़रूरत है, ठीक है, कि अपन को focus area जो रखना है वो रखना ये है कि mocks में ही हमारे लिए बहुत सारी पढ़ाई है। अच्छा ध्यान समझो, तुम्हारे स्कूल में या कभी भी कोई एग्जाम हुआ, टीचर ने जो क्लास में सबसे ज़्यादा अच्छे से आया होगा, जो उसको लगा होगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ आया होगा, क्वेश्चन पेपर में। सेम गोज विद एवरी इंस्टीट्यूशन वॉट एवर इट इज लाइक, ठीक है। सो उसमें जो सबसे ज़्यादा फोकस एरिया किया होगा ना, या जो लगा होगा टीचर को ये बहुत कठिन है, इसको मॉक में डाल देते हैं, तो वही मॉक में होगा, ठीक है। सो अगर तुम समझो कि तुमने जो भी पढ़ा उसकी समरी कहाँ मिलेगी, तुम्हें मॉक टेस्ट में मिलेगी, ठीक
ठीक है, अंडरस्टैंड दिस, ठीक। सो मॉक टेस्ट को इस तरीके से लो, ठीक है, दे आर हेल्पिंग इन योर रिविजन प्रोसेस, दे आर हेल्पिंग योर अंडरस्टैंडिंग योर वीक टॉपिक्स, एंड इन दैट मैनर दे आर हेल्पिंग यू। सो आई होप आई हैव आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, वॉट टू फोकस ऑन क्वालिटी वर्सेस। माई टेक इन कंक्लूसिव मैनर वुड बी, इट विल ऑलवेज बी क्वालिटी, नॉट, एंड इफ समबडी इज फोकसिंग ऑन क्वान्टिटी, से दम पढ़िया फोड़ दिया तुमने, ठीक है, इट्स नॉट नीडेड, ठीक है। एंड इस सेशन से आपको सीख क्या मिली, एक अपन को रजिस्टर बनानी है जिसके ऊपर सिर्फ हम लिख देंगे मॉक टेस्ट डायरी, ठीक है, या डेवलपमेंट डायरी, किस तुम डेवलप कर रहे हो, किस तरीके से तुम्हारे आप किस तरीके से तुम बेटर होते जा रहे हो इन योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो दिस विल गिव यू अ बर्ड आई व्यू, और वो तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट में और टॉपिक मैनेजमेंट में सब में हेल्प करेगी, ठीक है। इफ यू आर रीडिंग अ टॉपिक एंड देन यू रिमेंबर यू स्मॉक में क्वेश्चन पढ़ा हुआ था, ये टॉपिक, यू विल गो बैक अगेन टू दैट पर्टिकुलर पैसेज एंड सॉल्व इट। This way you will remember new ongoing heading and then that particular heading which this particular passage jo already mock mein tha. So this is my overall idea that this is how you must prepare, you must question mark on this particular thing, quality versus quantity, number of mocks. This year ke liye, this year class 2020 and I will say in sample paper, uske baad jo class ne mock release kiye, uske baad unhe mock release kiye hain, more than enough. आराम से तुम लोग फोड़ दोगे पेपर, बिकॉज ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद अगले साल के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी, आई हैव टोल्ड यू, ठीक है, आप आराम से तब तक 30 मॉक कर लेना, ठीक है, कोई टेंशन के बिना, ठीक है। AILET के भी मॉक्स हैं जो ऑलरेडी तुम्हारे LMS में हैं, उनको जाके सॉल्व करो, ठीक है, फिर उन वहाँ से हाउ मच मिनिमम मॉक्स शुड बी अटेम्प्टेड सर, ठीक है, सो ऐसा क्वेश्चन मिनिमम कितने। I think it's like an ongoing process, ठीक है, there's no number, if it tells you a particular number, they are basically telling it from experience कि इतने तो करने चाहिए, ठीक है, वो मैक्स पता है, ऐसा कोई बार नहीं है आपका। जैसे मैंने कभी तुम्हें पहले भी बताया था, people have cleared this for exam, the common law admission test without even studying for 2 days, people have not been able to clear this exam after studying for 3 years, ठीक है, टू अंडरस्टैंड दिस, डू यू सी दिस नोशन, बिना पढ़े, ठीक है, मतलब कोई आइडिया ही नहीं है पेपर का, दो तीन दिन पहले मतलब एकदम से ऐसे देख लिया कि सिलेबस क्या है वाला, ठीक है, चलेगा पेपर देखिए, और तब भी हो गया, यू विल मीट दीज पीपल्स ऑल्सो इन योर लॉ कॉलेज, ठीक है। सो कितने मिनिमम, दिस इज डिफिकल्ट, इस बार के लिए, इस साल का जो क्लैट है उसके लिए मैंने, अब इस समय तो तुम्हें डेली देने ही चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस सेशन सुने हैं, जब भी क्रिकेट मैच होता है उससे पहले प्रैक्टिस सेशन, तो ये मॉक टेस्ट वैसे ही मान लो, ठीक है, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेशन पे चले जाओ, कोई नंबर्स आप फाइनाइट नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हर महीने के हिसाब से, अगले साल की अगर क्लैट की बात कर रहे हो तो हर महीने के हिसाब से दो तो मिनिमम होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप उसे एनालाइज भी करोगे, देखोगे कि आप किस तरीके से और बेटर कर पा रहे हो, ठीक है, और क्योंकि इतने लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है तो उस तरीके से मॉक भी वेरिएट करेंगे ना, ठीक है, क्लैट के लिए अलग आप दे रहे हो मॉक, दो AILET के लिए अलग दोगे, बी एच यू का अलग आप दे रहे हो, ब्लैक काम सिम्बाइसिस का आप अलग दे रहे हो, ठीक है, तो इस तरीके से वो भी मैटर करेंगे, तो इन टोटो ये मान के चलो तुम एक महीने में 4 मॉक सॉल्व कर ही रहे होगे, ठीक है, सो दैट इज अकाउंट, ठीक है, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, ओके। सो I think I have answered this particular question. There was another question. There was another question, sir. Which coaching mock I should take? Okay. So first and foremost, if I had to make a choice, okay. Ask the 2-3 things. Ask your seniors first and foremost. देखो सबसे पहली बात, rely upon अपने तो पहले कर लो, पहले सब सॉल्व कर लो, तुम्हारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएंगे, that is for sure, ठीक है। इसके बाद if you need some extra practices, there are other coaching centers in which are, some are famous in Western India, some in Central India, some are pan over India, ठीक है। Then get that one now which has a better मॉक पेपर एनालिसिस, ठीक है, जिस मॉक होने के बाद वहाँ की फैकल्टी या वहाँ के टीचर्स मॉक के ऊपर डिस्कशन करते हो, ठीक है,
आप डिस्कशन वो वाला भी नहीं, मतलब ये भी एक समझ लेना जो जो बच्चे ऑलरेडी ले चुके हैं, कि ऐसा नहीं डिस्कशन के नाम पे वो 200 क्वेश्चन करने थे, 200 क्वेश्चन करवाने के चक्कर में डिस्कशन के नाम पे निकाल दिया तुम्हारे 3 दिन 30 घंटे, ठीक है। तो वो भी सेगमेंट पे नहीं करना, कि मतलब एक पैसेज चल रहा है स्क्रीन पे बैठे हुए कह रहे हैं रीड द पैसेज, देन समबडी सेइंग ओके रीड द अदर पार्ट, देन अच्छा अच्छा तुमने तो कर ही लिया होगा। तो इस काइंड का एटमॉस्फेयर पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है अपन को, बिकॉज आवर टाइम इज़ वैल्यूएबल, ठीक है। आंसर समझना है कॉन्सेप्ट, आंसर मार्क करना है, ठीक है, और निकल जाना है। सो दैट बीइंग सेड, आवर प्राइमरी फोकस इज ऑन दी क्वालिटी नॉट क्वान्टिटी, ठीक है। सो क्वालिटी पे फोकस करो, मॉक्स दो एंड उसके लिए डायरी बनाओ एंड देखो कि कितना आगे तक बढ़ते जा रहे हो, ठीक है। और अगर वैसा हो रहा है कि मतलब यू आर सीइंग अ डेवलपमेंट और यू आर सीइंग अ प्रोग्रेस इन योर मॉक स्कोर्स एंड जो टाइम है वो रिड्यूस होता जा रहा है, ठीक है, तो जो मॉक देने का, देन यू आर सक्सेसफुल इन दिस अटेम्प्ट ऑफ गिविंग मॉक्स, ठीक है। दैट बीइंग सेड, इवन इफ यू डोंट हैव अ मॉक टेस्ट, नो नीड टू वरी ऑन दैट एस्पेक्ट ऑल्सो, ठीक है। क्यों? जो प्राइमरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था वो मैंने तुम्हें बताया था। अब जो पेपर का पैटर्न है उसमें ये मैटर करता है क्या एक जो पैसेज तुम पढ़ रहे हो उसे 5 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं या नहीं। सो अगर तुमने बिल्कुल 3 सैम्पल पेपर ऊपर से तुमने देख लिए हैं, एक दो मॉक और भी देख लिए, सो नाउ यू नो द नेचर ऑफ क्वेश्चन विच आर देयर, ठीक है। सो व्हाइल यू आर रीडिंग अ पर्टिकुलर पैसेज, आस्क टू योरसेल्फ व्हाट कैन बी दोस पर्टिकुलर 5 क्वेश्चन। तुम एक पैसेज पढ़ लो जिससे तुमको लग रहा है तुम्हारे टीचर ने बोला है जीके के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन यार वो जो पैसेज है उसमें देखो तो क्या वो 5 फिल इन द ब्लैंक बन पाएंगे, क्या वो टॉपिक कितना रिलेटेड है करंट से या स्टैटिक से कि उसमें 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर हाँ तो पढ़ो, ठीक है, अगर नहीं तो क्यों इतना फोकस एरिया करना है, ठीक है। सो टॉपिक वाइज पढ़ाई करनी है अपन को, अब तो फ्लैट और ईजी हो गया टॉपिक वाइज पढ़ाई, ठीक है। अब कोई कुछ ऐसा नहीं है कि सब कुछ रट्टा मार लेना दुनिया का, लाइक आई एम सिटिंग एंड रट्टा पाएंगे पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंसेस कहाँ हुई या अवार्ड किसको मिला, ठीक है, ऊपर कप इज गिवन टू दिस एंड दिस, ठीक है। सो उतना ज़्यादा नहीं हो रहा, ठीक है। दैट बीइंग सेड, दैट मस्ट बी योर स्ट्रैटेजी, ठीक है, टू आइडेंटिफाई दोज पैसेजेस जहाँ से क्वेश्चन आने हैं एंड देन गोइंग बैक टू रीडिंग दोज 5 क्वेश्चन बना लोकल। यू विल हैव अ सेपरेट सेशन ऑन व्हाट ऑल रिसोर्सेज डू यू नीड टू डू दैट, ठीक है, बट यू हैव एवरी रिसोर्सेज एट योर आर्सेनल टू क्रैक दिस ईयर्स AI-led एंड क्लैक 2020 एंड आई से दैट विद कंप्लीट अथॉरिटी। जो भी तुम्हारे LMS में पड़ा हुआ है, जो प्रोजेक्ट मेवरिक के अंदर हुआ है उसमें लीगल करंट अफेयर से लेकर स्टार्टिंग जीके से लेकर सब कुछ है, ठीक है। यू जस्ट नीड टू डिवोट योर टाइम टू दैट एंड यू विल एस दिस पर्टिकुलर एग्जाम्स एंड ऑफ कोर्स ऑन दिस कमिंग संडे 20th यू हैव एन ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट। यू हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ गुड रिस्पॉन्स, not many kids have filled the form to my astonishment, within the 12 hours even the numbers was quite high, so give that particular mark so that it will set up a benchmark for you, tum kahan pe stand karte ho and what more needs to be done in those next 7 days before the CS exam or for even helping you out in strategizing next year's paper. So that's all from me for this day. All the best and keep grinding.